9th स्टैंडर्ड एल्जेब्रा 4th चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रैक्टिस सेट 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग पैर ऑफ नंबर फाइंड द रेड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर हमें रेशियो करना है ठीक है जितना हो सकता है इसको रेड्यूस करके रेशियो फॉर्म में करना है फर्स्ट टू द सेकेंड यानी फर्स्ट नंबर पहले रहेगा सेकेंड बाद में फर्स्ट न्यूमरेटर में रहेगा सेकेंड डिनोमिनेटर में बिकॉज यहाँ पे दिया फर्स्ट नंबर टू दी सेकेंड अगर सेकेंड नंबर टू दी फर्स्ट देगा तो सेकेंड नंबर न्यूमरेटर में लिखा जाएगा और फर्स्ट नंबर डिनोमिनेटर में ठीक है सो आगे वो रहेगा होपफुल सो फर्स्ट क्वेश्चन 72, 60 सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेन क्वेश्चन वन का फर्स्ट क्वेश्चन 72, 60 तो फर्स्ट नंबर रेस टू सेकेंड नंबर करना है That means 72 ratio, first number ratio second number करना है 72 ratio 60 ठीक है So 72 ratio means होता है देखो ये दो डॉट मतलब upon, divide, upon 60 अभी जितना हो सकता है इसको reduce करके simple करना है ठीक है So 6 ones are 6, 6 zeros are, यानि 6 tens are 60 6 tens are 60, यहाँ पे 6 ones are 6, 1 carry, 6 twos are 12 ठीक है नेक्स्ट अभी सिक्स के टेबल में नहीं जाएगा टू के टेबल में टू फाइव ज़ार टेन टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व राइट अब ये सिक्स और फाइव लास्ट इसके आगे ये कोई टेबल में नहीं जाएगा तो इसका आंसर हमें मिला सिक्स अपॉन फाइव सो फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर क्या रेशियो में आ रहा है सिक्स रेशियो फाइव दिस इज़ माई आंसर ठीक है अब कुछ टीचर्स यहाँ पे दे कैन राइट फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर देखो अगर आपकी टीचर ने यहाँ पे स्टेप्स बढ़ाकर लिखा है यानी फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर ऐसा लिखा है तो भी चलेगा वरना ये डायरेक्ट किया हुआ है वो सबसे परफेक्ट है ठीक है सेकेंड वाला सेकेंड में थोड़ा चाहिए तो एक्स्ट्रा स्टेप से बता सकता हूँ फर्स्ट नंबर 38 है सेकेंड नंबर 57 है तो फर्स्ट नंबर अपॉन आप ये एक्स्ट्रा स्टेप्स लिख के बता रहा हूँ कि कुछ टीचर्स एक्स्ट्रा स्टेप यूज़ करते हैं तो उनके लिए सेकेंड नंबर ठीक है फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 38 अपॉन 57 38 न्यूमरेटर में रहेगा क्योंकि वो आगे 57 डिनोमिनेटर में फर्स्ट नंबर या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो मैं लिखने के अलग अलग स्टाइल बता रहा हूँ फर्स्ट नंबर अपॉन डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर ठीक है इक्वल्स टू 38 अपॉन 57 ऑलराइट अभी आपको डिवाइड करना है कौन से टेबल में होगा थ्री के टेबल में जा ये डिवाइड हो रहा है ये भी थ्री वन जा या नहीं ये थ्री के टेबल में नहीं हो रहा है टू में भी नहीं हो रहा है ये टू थ्री एक्सेट्रा टेबल्स में नहीं जा रहा है तो प्राइम नंबर्स के टेबल में चेक करेंगे जैसे 13 नहीं जा रहा है 17 नहीं जा रहा 19 हाँ ये 19 के टेबल में जा रहा है 19 टू ज़ा 38 ठीक है और 19 थ्री ज़ा 57 ऑलराइट तो आंसर आया 2 अपॉन 3 ठीक है तो हम लोग इसको रेशियो में लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट नंबर रेस टू रेशियो सेकेंड नंबर इक्वल्स टू व्हाट 2 रेशियो 3 ठीक है इट्स वेरी इजी ये कोई टेबल में नहीं जा रहा था अप टू 3, 4 नहीं जा रहा है तो 7 में भी नहीं जा रहा है फिर डायरेक्ट मैंने इसको 13 के टेबल में जज किया नहीं फिट हो रहा है 17 में भी नहीं तो 19 के टेबल में देखा जा रहा है ठीक है 19 टू ज़ा 38 19 थ्री ज़ा 57 तो फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 आया फर्स्ट नंबर रेस टू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 2 रेशियो 3 तो फर्स्ट सम जो मैंने डायरेक्ट किया है आप ऐसा लिख सकते हो फर्स्ट नंबर रेस टू सेकेंड नंबर 72 रेशियो 60 फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर 72 अपॉन 60 ये स्टेप्स के साथ ठीक है सो कुछ टीचर्स ये स्टेप प्रीफर करते हैं कुछ टीचर्स डायरेक्ट देते हैं इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ ठीक है थर्ड वाला भी मैं स्टेप्स के साथ लिखूँगा 52, 78 ठीक है सो फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर ठीक है सो व्हाट इज़ माय फर्स्ट नंबर 52 सेकेंड नंबर कितना है 78 तो 52 अपॉन 78 अब आप देख सकते हो 52, 78 टू के टेबल में दोनों आ रहे हैं तो टू से डिवाइड करेंगे टू टू ज़ा 4 वन कैरी टू 4 ज़ा 12 टू 3 ज़ा 6 वन कैरी टू 9 ज़ा 18 अभी ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा है लेकिन 3 के टेबल में जा रहा है 3
एट ज़ा 24, थ्री वन ज़ा 3, थ्री थ्री ज़ा 9, ठीक है। इसके आगे दोनों कोई भी टेबल में डिवाइड नहीं हो रहे, तो आंसर बचा 8/13, ठीक है। तो रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट नंबर रेश टू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू वॉट, 8:13। फर्स्ट नंबर रेशियो सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 8:13, ठीक है, रेशियो। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन वन में जो तीन सब क्वेश्चन है हमने कर लिए, ठीक है। मेन क्वेश्चन टू, फाइंड द रेड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड क्वांटिटी। इसमें देखो, इसमें भी वही करना है, फर्स्ट टू सेकेंड का रेशियो करना है, रेशियो करना है फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वाला तो ईजी है, दोनों रुपीज़ में, लेकिन सेकेंड वाला एक रुपीज़ में है और एक रुपीज़ और पैसे में, सेकेंड में, ठीक है। थर्ड लीटर और मिलीलीटर है, ईयर्स और मंथ है, तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये दो क्वेश्चन ओमिटेड है बाय बोर्ड, ये साल के लिए रिड्यूस कर दिया गया फिफ्थ और सिक्स, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि ये नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उन लोगों ने प्रैक्टिस सेट छोटा करने के लिए किया है, बट ये बेसिक नॉलेज के लिए नेसेसरी है, तो आई एम गोइंग टू डू। सो सेकेंड का फर्स्ट वन 700 रुपीज़ और 308 रुपीज़। सो क्वेश्चन टू का फर्स्ट वाला 700 रुपीज़ एंड 308 रुपीज़। फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी इक्वल्स टू व्हाट, 700 अपॉन 308, ठीक है। अब ये दोनों भी टू के टेबल में डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, तो टू वन ज़ा 2, वन कैरी, टू फाइव ज़ा 10, टू फोर ज़ा 8। नेक्स्ट इधर टू थ्री ज़ा 6, वन कैरी, टू फाइव ज़ा 10, टू ज़ीरो ज़ा 0। नेक्स्ट फिर से टू के टेबल में जा रहा है, टू सेवन ज़ा 14, वन कैरी, अगेन टू सेवन ज़ा 14। ये भी जा रहा है टू, टू वन ज़ा 2, वन कैरी, टू सेवन ज़ा 14, अगेन वन कैरी, टू फाइव ज़ा 10, ठीक है। अब ये टू के टेबल में नहीं जाएगा, ये 11 के टेबल में दिख रहा है सपोज मे बी, तो ये चेक करते, 11 7 ज़ा 77, लेकिन ये 11 1 ज़ा 11 और 6 कैरी होगा, नहीं 11 के टेबल में नहीं जा रहा है, ठीक है। 7 के टेबल में देखते हैं, मे बी जाए, हाँ 7 के टेबल में जा रहा है दोनों, 7 11 ज़ा 77, ठीक है, 7 11 ज़ा 77 और 7 2 ज़ा 14, 3 कैरी, 7 5 ज़ा 35, ठीक है। सो 25/11, ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आंसर इज 25/11, 25/11 आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, सो दिस इज़ माई आंसर, ठीक है। अब इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे। देखो यहाँ मैंने नंबर नहीं लिखा है, क्वांटिटी लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्वांटिटी दिया है, फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ लिखा था फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, लेकिन यहाँ पे दिया फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी, तो इसके लिए मैंने फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी लिया है, तो आंसर आया 25/11। तो रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट क्वांटिटी रेशियो सेकेंड क्वांटिटी, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट, 2:11, सॉरी 25:11, इट्स इजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड का फर्स्ट हुआ, सेकेंड का सेकेंड क्या है, 14 रुपीज़ कॉमा और 12 रुपीज़ 40 पैसे, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 14 रुपीज़ और 12 रुपीज़ 40 पैसे, तो फर्स्ट क्वांटिटी, अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या ये रुपीज़ में है, दिस इज़ गिवन इन रुपीज़, रुपया 14 रुपया, 14 रुपया दिया है, और ये 12 रुपया, अभी साइन चेंज हुआ है, रुपीज़ की जगह रुपया लिखते हैं, ठीक है, और 40 पैसा है, ठीक है। तो यहाँ दो क्वांटिटी है पैसा, और यहाँ पे सिर्फ एक क्वांटिटी रुपीज़, तो सबको पैसे में बनाना है, सबको सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होगा बिफोर डिवाइडिंग। तो 14 रुपया कितना पैसा होता है, 14 रुपीज़ में 14 × 100, ठीक है, पैसा होता है 14 रुपीज़, मंजे 14 × 100 यानी 1400 पैसे, ठीक है, 14 रुपीज़ मतलब 1400 पैसे। उसी तरह से 12 रुपीज़ क्या होगा, 12 × 100 12 रुपया, तो 1200 पैसा होगा, 12 × 100 प्लस ये 40 पैसा, ठीक है। अभी सब ये कन्वर्ट हो रहा है पैसे में,
सो 1200 जा 1200 प्लस 40 पैसे, ठीक है. सो 1200 प्लस 40 1240 पैसे. ऑल राइट, तो फर्स्ट क्वांटिटी है 1400 पैसे, सेकंड क्वांटिटी है 1240 पैसे, 1240 पैसे, ठीक है. फिर फॉर्मूला वही है, फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट, फर्स्ट क्वांटिटी कितना है 1400 अपॉन सेकंड क्वांटिटी है 1240, ठीक है. सो लेट्स डिवाइड, एक एक ज़ीरो कैंसल, दोनों के पीछे एक एक ज़ीरो था, एंड में डिवाइड हो गया. नेक्स्ट टू के टेबल में आई कैन सी दोनों डिवाइड हो रहा है, टू सिक्स आर 12, टू टू ज़ा 4, ठीक है, इधर टू सेवन ज़ा 14, ज़ीरो कैरी. नेक्स्ट फिर टू के टेबल में डिवाइड होगा, टू थ्री ज़ा 6, टू वन ज़ा 2, इधर टू थ्री ज़ा 2, फाइव ज़ा 2, थ्री ज़ा 6, वन कैरी 2, फाइव ज़ा. सो आई गॉट 35 और 31, आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है. तो वी गॉट द आंसर 35 अपॉन 31, ठीक है. सो आंसर इज फर्स्ट क्वांटिटी. आप समझ सकते हो क्या किया है मैंने, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया, एक रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 14 रुपीज़ में 1400 पैसे, 12 रुपीज़ में 1200 पैसे, और 1200 प्लस ये 40, तो 1240 पैसे सेकेंड क्वांटिटी. फिर मैंने अपॉन किया फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी, तो मुझे 35 31 बचा, दैट इज़, ठीक है. देखो कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं एंड ऑफ द डे में सिखा रहा हूँ, मतलब रात में सिखा रहा हूँ, ठीक है. सो हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक होता होगा, ठीक है, तो वो आप करेक्शन कर लो, ठीक है. मैं कोई एलियन, सॉरी, मैं कोई एंजल तो हूँ नहीं कि मिस्टेक नहीं करूँगा, ठीक है. तो थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, जस्ट यू मेक इट. फर्स्ट क्वांटिटी रेशियो सेकेंड क्वांटिटी क्या रहेगा, 35:31, ठीक है. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, सेकेंड का थर्ड वाला क्या दिया है, लेट्स सी. 5 लीटर 2500 मिलीलीटर, एक लीटर में दिया है और एक मिलीलीटर में दिया है, ठीक है. देखो याद रखो, एक लीटर 1000 मिलीलीटर होता है, 1 लीटर. तो यहाँ क्या दिया है, 5 लीटर्स, फर्स्ट क्वांटिटी है 5 लीटर, ठीक है, और सेकेंड क्वांटिटी है 2500 मिलीलीटर, ठीक है. तो हम लोग हमेशा स्मॉलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है. तो इसको लीटर नहीं बनाना है, बल्कि इसको मिलीलीटर बनाना है. तो एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 5 लीटर कितना होगा, 5000 मिलीलीटर. 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, एक लीटर 1000 मिलीलीटर होता है, तो 5 लीटर क्या होगा, 5 × 1000, ठीक है, दैट इज़ 5000 मिलीलीटर, ठीक है. नेक्स्ट, और ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर में है, 2500 मिलीलीटर. नेक्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी, ठीक है. सो फर्स्ट क्वांटिटी इज़ 5000 एंड अपॉन सेकेंड क्वांटिटी इज़ 2500, ठीक है. नेक्स्ट, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 5 10 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. तो क्या आंसर मिला, 2 2, और नीचे क्या है, 1, तो 2 अपॉन 1. फाइनल आंसर, फर्स्ट क्वांटिटी रेशियो सेकेंड क्वांटिटी इक्वल्स टू व्हाट, 2:1. ऑल राइट, वेरी इजी. देखो मैं सारे सम कर रहा हूँ, तो लेंथी प्रैक्टिस सेट है, शायद एक वीडियो में ना कंप्लीट हो, तो दो वीडियो में कवर करेंगे. नेक्स्ट थर्ड हो गया, फोर्थ, 3 years 4 months 5 years 8 months. सो फोर्थ क्वेश्चन दिया है, 3 years 4 months 5 years 8 months, ठीक है. सो यहाँ पे स्मॉलर क्वांटिटी मंथ्स है, तो सबको मंथ्स में करेंगे, ठीक है. एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 3 साल में कितने होंगे, 3 × 12. एक साल में 12 महीने, तो 3 years में कितने होंगे, 3 × 12, प्लस ये 4 months. तो हमने अभी सब मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया, 3 years को मंथ में करना है, तो 3 × 12 प्लस ये 4 months, और 5 years को मंथ्स में करना है, तो 5 × 12, ठीक है, प्लस ये 8 months. ऑलराइट, ठीक है. सो नेक्स्ट, 3 12 ज़ा
36 प्लस 4 40, देखो ये होगा 36 प्लस 4 दैट इज 40 मंथ्स, फर्स्ट क्वांटिटी है 40 मंथ्स। 512 जा 60 प्लस 8 तो कितना हो रहा है 68 मंथ्स, ठीक है। अब दोनों क्वांटिटी हमारी मंथ्स में कन्वर्ट हो गई, 3 साल 4 महीने टोटल 40 महीने होते हैं, 5 साल 8 महीने टोटल 68 मंथ्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी कितना होगा 40 अपॉन 68, सो लेट्स डिवाइड, 2 2 2 2 0 2 20 40 2 3 4 अगेन 2 1 2 0 2 10 20 इधर 2 1 2 1 carry 2 7 14, ठीक है। तो इसके आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वी गेट द आंसर 10 अपॉन 17, आगे डिवाइड नहीं हो रहा है इसके लिए 10 अपॉन 17। तो फाइनल आंसर फर्स्ट क्वांटिटी रेशियो सेकेंड क्वांटिटी इक्वल्स टू व्हाट 10:17, ठीक है। इट्स इजी, बहुत इजी है, ध्यान दो। नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ वैसे ओमिटेड है बट मेरे हिसाब से करना चाहिए, ठीक है, फॉर योर नॉलेज। तो कर लेते हैं, जिनको ओमिट के हिसाब से स्किप करना है स्किप कर सकते हैं, बट जिसको देखना है वीडियो में आगे कंटिन्यू देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिया है, 3.8 kg, 1900 grams, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी दिया है 3.8 kg, तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 3.8 kg कितना होगा 3.8 × 1000, ठीक है। 1 kg = 1000 ग्राम, तो 3.8 कितना होगा 3.8 × 1000, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो पॉइंट हटाएंगे तो 38/10 × 1000 grams। नेक्स्ट 00 कैंसिल, 38 × 100 3800 grams, अब ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। देखो पॉइंट निकाला तो नीचे 10 डाला, तो एक एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो बचा 38 × 100 3800, ठीक है। और सेकेंड क्वांटिटी वही है 900 grams, फर्स्ट क्वांटिटी हमने कन्वर्ट की, सेकेंड क्वांटिटी 900 ग्राम्स दी थी। नेक्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी इक्वल्स टू व्हाट 3800/1900, 0000 कैंसिल, 19 1 19 2 19 2 38, तो हमें आंसर मिला 2/1। फिर हम लोग फाइनल आंसर रेशियो में लिखेंगे, क्या फर्स्ट क्वांटिटी रेशियो सेकेंड क्वांटिटी इक्वल्स टू क्या 2:1। सो ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, 7 minutes 20 seconds, 5 minutes 60 seconds, तो 7 minutes में 7 × 60 मतलब सबको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ करके। 7 minutes 20 seconds दिया है, ठीक है, तो सबको हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 7 minutes, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड मिलकर 1 minute बनता है, तो 7 minute तो 7 × 60 और प्लस ये 20 सब सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 7 × 60 किया हमने और प्लस 20 और सेकेंड इधर कॉमा के बाद क्या होगा 5 × 60 + 6, 5 मिनट था ना, तो 5 × 60 सेकेंड में कन्वर्ट किया प्लस ये 6 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट पहले एक पार्ट पूरा करते हैं फिर इस पे जाएंगे, 7 6 = 42 और ये 0, 420 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट 420 + 20 = 440 सेकेंड्स, अब ये सेकेंड पार्ट, 5 6 = 30 तो 560 = 300 प्लस 6, 300 + 6 कितना होता है 306 सेकेंड। देखो मैं बहुत बेसिक से सिखा रहा हूँ ताकि सारे कॉन्सेप्ट और किसी को डाउट रहे ना, स्कॉलर्स भी अच्छे से कर लेंगे और जो स्लो है उनको भी
समझता जाएगा कि मिनट को सर ने कैसे सेकंड्स में कन्वर्ट किया और फिर सेकंड्स ऐड करके टोटल कितना सेकंड हुआ। तो 7 मिनट 20 सेकंड होता है टोटल 440 सेकंड, और 5 मिनट 6 सेकंड होता है टोटल 306 सेकंड। नेक्स्ट डिवाइड करेंगे क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन रेशियो करेंगे, तो फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन व्हाट सेकंड क्वांटिटी इक्वल्स टू व्हाट 440 अपॉन 306। नेक्स्ट अब ये डिवाइड होगा, तो बेसिक टेबल ये 2 के टेबल में जा रहा है तो हम लोग 2 के टेबल में ही डिवाइड करेंगे ताकि हमें प्रॉपर बेसिक डिवीजन हो। तो 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 2 5 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6, इधर 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 0 कैरी। अब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 में चेक करते हैं, ये तो जा रहा है 3 के टेबल में बट ये 3 के टेबल में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आगे ये दोनों कोई भी नंबर में डिवाइड होता हुआ नहीं मिल रहा है, तो मैं यही आंसर लिख देता हूँ 220 अपॉन 153, और पीछे चेक कर लेगा शायद यही होगा। ठीक है, तो रेशियो में आंसर आएगा फर्स्ट क्वांटिटी रेशियो सेकंड क्वांटिटी इक्वल्स टू 220 रेशियो 153, क्योंकि ये ऑलरेडी ये 3 के टेबल में डिवाइड हो रहा है और ये इवन नंबर है, ये ऑड, और ये दोनों कोई सेम नंबर में डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो यही आंसर होगा। सो 220 रेशियो 153। नेक्स्ट बाय दिस हमने सेकेंड पार्ट का, सेकेंड मीन्स क्वेश्चन 2 पूरा कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन 3 बहुत इजी है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो इन द रेड्यूस फॉर्म। परसेंटेज दिया है, इसको रेशियो मतलब रेड्यूस फॉर्म में करना है, तो थर्ड का फर्स्ट वाला क्या दिया है, थर्ड का फर्स्ट। अब ये बहुत छोटे छोटे और सिंपल और इजी सम है, थर्ड का फर्स्ट दिया है 75 रेशियो 100, तो बस इसको रेड्यूस फॉर्म में करना है। ठीक है, तो 75 इसमें फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी ये सब भी नहीं है, डायरेक्ट है 75 अपॉन 100, दोनों 5 के टेबल में जा रहा है। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 5 0 ज़ा 0 5 1 ज़ा 5, ठीक है ये 5 1 ज़ा 5 2 कैरी, और 5 5 ज़ा 25। राइट, नेक्स्ट फिर 5 के टेबल में जा रहा है, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, सो फाइनली वी गॉट 3 अपॉन 4। ऑल राइट, सेकेंड, थर्ड का फर्स्ट था, थर्ड का सेकेंड क्या दिया है, 44 रेशियो 100, सो क्या होगा 44 अपॉन 100, 44 रेशियो 100 अपॉन मीन्स 44 अपॉन 100, तो 2 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 20 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 0 ज़ा, नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, इधर 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 2 5 ज़ा, सो 11 और 25 आया, आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 11 अपॉन 25। हमें रेशियो को, हमें एक्स परसेंटेज को रेशियो में एक्सप्रेस करना है, सॉरी इसको आगे और रेशियो में लिखना है, दैट इज़ इक्वल नहीं डालना आपको, दैट इज़ लिखकर 3 रेशियो 4, दैट इज़ 3 रेशियो 4। ठीक है, देखिए ये आंसर 11 अपॉन 25 आया, तो हम लोग आगे लिखेंगे दैट इज़ 11 रेशियो 25। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं आपको, रेशियो फॉर्म में एक्सप्रेस करने बोला है। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो इन रेड्यूस फॉर्म, तो ये रेड्यूस फॉर्म का रेशियो है। नेक्स्ट क्या दिया है, 6.25%, थर्ड वाला दिया है 6.25%, देखो परसेंट मतलब क्या होता है, 100 अपॉन 100, तो 6.25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब ये पॉइंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर, तो मुझे 100 नीचे डालना पड़ेगा, तो ये 100 ऑलरेडी है और ये पॉइंट को 2 नंबर, यहाँ पे पॉइंट था, मैंने 2 नंबर को पॉइंट के बाहर लाया तो नीचे और 100 आएगा। ये दूसरा 100 क्यों आया, क्योंकि 2 डेसिमल बाहर है, या तो आप डायरेक्ट 2 ज़ीरो ऐड भी कर सकते हो, 100 के पीछे 2 ज़ीरो ऐड करके 10,000 बना दो, या मल्टीप्लाई बाय 100 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट अब ये दोनों 5 के टेबल में डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 0 ज़ा 0, ठीक है 5 2 ज़ा 10 5 0 ज़ा 0। अब ये 5 1 ज़ा 5 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। ऑल राइट, नेक्स्ट 5 4 ज़ा 20, नीचे 5 4 ज़ा 20, देखो नीचे एक बार काटोगे तो ऊपर एक बार काटने, नीचे एक बार ऊपर एक बार, रूल है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो नीचे
दो तीन चार बार काटते हैं और ऊपर एक ही बार काटते हैं या ऊपर दो ही बार काटते हैं, तो जितने बार नीचे कटेगा उतने बार ऊपर। सो अब सेकेंड टाइम मैं काट रहा हूँ नीचे, 5 4 20 और ऊपर 5 2 10, 2 कैरी, 5 5 25। अभी फिर डिवाइड हो रहा है, 5 2 10, 0 0, 5 5 25। नेक्स्ट फिर डिवाइड हो रहा है, 5 1 5, 5 4 20। सो ऊपर क्या बचा, एट लास्ट ऊपर नंबर्स ख़त्म हो गए और सिर्फ 1 बचा, और नीचे क्या बचा है, 4 4 4 into 4 4 4 16। ठीक है, तो रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर, रेशियो फॉर्म में आंसर आएगा 1:16। सो दिस वॉज माई क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ, 52/100। सेम है ये मेथड, आपने सेकेंड किया फर्स्ट किया वैसा ही है ये, ठीक है, और ये भी वैसा ही है, लेकिन मैं फिफ्थ करके बताता हूँ, 0.64%। मैं ये सोच रहा हूँ आप खुद करो, सिंपल इजी है बहुत। 52/100 करना है आपको, 2 2 के टेबल में डिवाइड करना है, जो फाइनली आएगा छोड़ देना है। फिफ्थ वाला मैं बता रहा हूँ 0.64%, थर्ड का फिफ्थ वाला 0.64%, तो क्या रहेगा, 0.64/100। ठीक है, परसेंट मतलब अपॉन 100 होता है। अब यहाँ पे भी आप देखो डेसिमल है और डेसिमल के बाद दो नंबर है, तो अगर मेरे को ये जो 0.64 है, तो ये 64 को मैं अगर डेसिमल के बाहर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और एक 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या दो जीरो आप डाल दो, आइदर या तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 लिखो या डायरेक्ट ये 100 के पीछे दो जीरो डालो। क्यों दो जीरो, क्योंकि दो नंबर डेसिमल के बाहर है, यानी 64, 0.64 था तो 0.64 यानी 64 हो गया। अब आगे जीरो नहीं लिखेंगे, कोई वैल्यू नहीं है जीरो का आगे, पीछे होता तो वैल्यू रहता। नेक्स्ट ये दिख रहा है 2 के टेबल में डिवाइड होता हुआ, तो लेट अस डिवाइड, 2 2 3 6 एंड 2 2 4, इधर 2 5 10, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0। नेक्स्ट 2 1 2, 1 कैरी, 2 6 12, इधर 2 2 2 4, 1 कैरी, 2 5 10, 2 0 0, 2 0 0। आगे और डिवाइड हो रहा है 2 के टेबल में, 2 8 16, 2 8 16, और ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी, 2 5 10, 2 0 0। अगेन 2 4 8, और इधर 2 5 10, 2 कैरी, 2 5 10 चलेगा, 2 कैरी, फिर क्या आएगा, 2 12 24, इधर दो टर्म एक साथ आ रहे हैं, सॉरी माय मिस्टेक, 2 6 12, नथिंग इज कैरीड, ठीक है, 2 5 10 नहीं, 2 6 12, 12 आ रहा है ना 2 के टेबल में, 2 6 12, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 4, 2 6 12, 2 2 4, और 1 कैरी होगा, 2 5 10। ठीक है, नेक्स्ट ये डिवाइड नहीं हो रहा आगे, देखो ऊपर मैंने कितने बार डिवाइड किया, 1 2 3 4, और नीचे कितने बार डिवाइड किया, 1 2 3 4, तो करेक्ट है, तो क्या बचा ऊपर, 4, और डिनोमिनेटर में क्या आया, 625, आगे डिवाइड नहीं हो रहा है। सो इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, 4:625। ठीक है, तो बहुत इजी है, तो वी हैव डन विद थर्ड मेन क्वेश्चन 3, बहुत इजी था, मेन क्वेश्चन 3 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इज मेन क्वेश्चन नंबर 4, 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 डेज, टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 डेज, हाउ मैनी पर्सन आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6th हमें अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 4.1 का सेकेंड वीडियो, क्योंकि लेंदी वीडियो अपलोड होने बहुत प्रॉब्लम होती है, पूरा दिन चला जाता है, इसके लिए 30 मिनट्स के वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। सो मेन क्वेश्चन 4th 5th 6th सेकेंड पार्ट में, प्रैक्टिस सेट 4.1 के सेकेंड पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।